हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं हूं रमन मिश्रा। दोस्तों, आज की क्लास में यह है जीएस प्लस के सेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करने के लिए उपस्थित हैं। यानी आज हम लोग जितनी भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान में संविधान सभा के बारे में बात कर रहे थे, इस समय वही लेक्चर चल रहा है। बहुत ही यह इंटरेस्टिंग टॉपिक है। शुरुआत में ही सारी चीजें अगर आप समझ जाते हैं तो यह मान लीजिए कि आपको बहुत सारे पॉइंट जो संविधान में हमारे शामिल किए गए उनके बारे में कुछ ना कुछ जानकारियां यहीं से ही मिलने लगती है। अब यह जो सारा प्रोग्राम चल रहा है, जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये आप सारे लोग जानते हो कि यह सब कुछ आपको 10 प्लस कोर्सेज के अंतर्गत टीम के द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो हर एक वीडियो जो आपको मैं पढ़ाता हूं या टीम का कोई भी सदस्य आपको पढ़ा रहा है, ठीक है, वो सारी की सारी वीडियोज आपको उनके साथ साथ नोट्स भी मिल सकते हैं। बस आपको क्या करना है, 499 का 3 महीने का सब्सक्रिप्शन प्लान लेना है, जिसमें जितना कुछ हम आपको पढ़ाते हैं वो सभी एक पीडीएफ के तौर पर आपको उपलब्ध होती रहे। तो देर नहीं करना है सभी को। सारे लोग क्या करें, जल्दी से जल्दी इस प्लान से जुड़ जाए और लेखपाल के लिए जो यह बैच हमारा स्पेशल चल रहा है इसका जो है खूब लाभ लीजिए भैया। इसमें डेली वीडियोज और डेली क्विज सारे फ्री दे रहे हैं, लेकिन हम पीडीएफ भैया तभी दे पाएंगे जब आप हमें कुछ पेमेंट करेंगे 499 का। क्यों? क्योंकि 150 रुपए में 150 पीडीएफ लगभग हम देंगे आपको, और वो भी ऐसा कंटेंट कि आप ढूंढ लीजिए अगर मार्केट में हमारे कंटेंट के मुकाबले कोई कंटेंट हो तो। ठीक है, चलो बात ये सब हो गई, अब बात हम बढ़ते हैं किस तरफ। बात हम कर रहे हैं कि संविधान सभा के बारे में हमें बड़ी विस्तृत आज बातचीत करनी थी, इसी के परिपेक्ष में हम लोग जो है मिले हैं। आज हमें बात करना था भैया संविधान सभा का चुनाव आखिर कब होता है, और संविधान सभा का जब चुनाव होता है सीटें क्या कैसे होती हैं, इन्हीं सभी पर हमें बहुत विधिवत आज परिचर्चा करनी है। तो संविधान सभा के चुनाव के बारे में जब बातचीत होगी तो एक चीज याद रखना, हमेशा महीना था आपका किसका, जुलाई और अगस्त का, जब जो है संविधान सभा के लिए चुनाव होते हैं। संविधान सभा के लिए चुनाव होते हैं तो चुनाव से पहले हमें यह भी पता चलना चाहिए कि संविधान सभा में जब चुनाव हुए तो सीटें कितनी रखी गई, कितने जो है आपके कैंडिडेट खड़े हो जाएंगे, तो उनके लिए सीटें तो एक निर्धारित की जाती हैं। और सीटें निर्धारित कैसे होंगी, क्योंकि भारत में कांग्रेस भी थी उस समय और अदर छोटी छोटी पार्टियां भी थी, साथ ही साथ देसी रियासतें भी थी। देसी रियासतों के अलावा उस समय ब्रिटिश के जो आयुक्त तो होते थे, कमिश्नर होते थे, उनके अलग अलग क्षेत्र डिवाइड थे, ठीक है, जिनको आजकल जो है हम यूटी के तौर पर लेते हैं। उस समय उनको क्या ब्रिटिश आयुक्तों के प्रांत बोलते थे, आज हम लोग प्रेसिडेंट से सीधा समझते हैं कि यूटी है तो वहां पर प्रेसिडेंट का सीधा सीधा नियंत्रण है, ऐसे बनाए गए थे तब आपके, उनको हम बोलते थे कि यह ब्रिटिश कमिश्नरी के अंतर्गत आने वाले आपके प्रांत हैं। तो चलिए एक एक करके हम पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान सभा में जो 389 सीटें थी कुल, इन सीटों पर कैसे कैसे चुनाव हुआ, कितनी सीटें किसको दी गई, कांग्रेस के हिसाब से कितनी सीटें आई, देसी रियासतों को कितनी सीटें गए, और बाकी जो आपका बचा रहा छोटे छोटे यानी पार्टियां रही उनको कितने कितने सीटें मिली, तो सभी पर बहुत विधिवत परिचर्चा हम लोग करेंगे। यानी यहां पर अगर आप इस कंटेंट को, जितनी चीजें मैं बोल रहा हूं इसको अगर आप बहुत एकाग्र होकर सुन लिए तो आप यह समझ जाओ, क्योंकि यह जो पूरा मैं आपको चैप्टर अभी पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ये 3-4 चीजों पर बहुत विधिवत फोकस है। एक तो आपका यूपीपीएससी में जो प्री होना है इसके लिए, दूसरी चीज जो आरओ एआरओ की आपकी परीक्षा होनी है उसमें भी जीएस में ये आपका बहुत कारगर होगा, तीसरी बात बीओ की परीक्षा वाले जितने लोग हैं उनके लिए भी यह चीजें बहुत ही लाभ देंगी। उसके साथ ही साथ अब आप यूपी ट्रिपल एससी में किसी परीक्षा में जाओगे, अगर 40 प्रश्न जीएस के हैं तो आप मान के चलो कि कम से कम आपके 4 से लेकर 6 प्रश्न आपके राज्य व्यवस्था से होते हैं। उनमें से ये जो शुरुआत का आपका चैप्टर है इनमें से एक आध क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसलिए यह बहुत जरूरी है। तो लेखपाल के लिए आपको बहुत विधिवत ढंग से यहां चारों कक्षाएं जो दी जा रही हैं इनको प्रॉपर वे में देखिए भैया, सारी क्विज अटेंड करिए, जितना मटेरियल दे रहे उतना पढ़ लीजिए, इसके बाहर कुछ नहीं होने जा रहा। चाहे पीटी का कोई जो है विद्यार्थी तैयारी करना चाह रहा वो भी सभी चीजों को फॉलो करे,
आप उत्तर प्रदेश एसआई देखने जो है देने जा रहे हैं जितनी चीजें यहां पर, इसीलिए सब कुछ रीजनिंग भी आपका फुल डिटेल में चल रहा, मैथ्स भी आपका फुल डिटेल में चल रहा। देखो अब जैसे मैथ्स की क्लासेस हो गई तो उसमें क्लास के साथ साथ आपको पहले क्विज मिलता है, फिर प्रैक्टिस सेट मिलता है, तो वो प्रैक्टिस सेट, वो क्विज का पूरा सलूशन, ये सब आपको पीडीएफ जब आप लेंगे तभी मिल पाएगा। लाभ इसका तभी अच्छा होगा क्योंकि उसमें प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो इसलिए सारे लोग जुड़िए। अब मैं जितनी चीजें पढ़ाता हूं, इनकी क्विज देता हूं, उस क्विज का पूरा सलूशन आपको पीडीएफ के तौर पर किस में, ग्रुप में मिलती है। इस वजह से सारे लोगों के लिए जरूरी है कि हम वह कंटेंट भी पा जाए और वह क्विज का हल भी पूरी तरीके से पा जाए। उसके लिए आपको 150 रुपए महीने खर्च करने में कोई जो है हिचक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे परिशुद्ध मटेरियल आपको मिलेगा कहीं नहीं। वो तो मैं चैलेंज देता हूं। अगले आगे बढ़िए संविधान सभा के चुनाव पर। संविधान सभा के चुनाव की जब हम बात करते हैं तो भैया सबसे पहले चीज एक जान लेना, मैंने क्या बताया कि चुनाव करना है तो सीटें कितनी थी। देखो बहुत आसान सी भाषा में समझो, संविधान सभा का जो चुनाव हुआ इसके लिए कुल सीटों की संख्या 389 निर्धारित की गई। जो 389 सीटें आपकी निर्धारित की गई, इन 389 सीटों में अगर अलग अलग देखें तो 292 जो सीटें थी, यह 292 सीटें आपकी किसके लिए थी, ये जो 11 प्रांत उस समय थे, 11 प्रांतों से इनका चुनाव होना था 292 सीटों पर, समझे। उसके बाद अगर देखें 292 सीटों के अलावा जो बाकी आपकी 93 सीटें थी, इन 93 सीटों पर कहां से चुनाव होना था, इन पर देसी रियासतों के बंदों को चुनकर आना था। जो देसी रियासतें थी इनका जो है चुनाव इन पर होना था, और जो अन्य चीजें बच रही थी उन पर भी कुछ ना कुछ चीजें लगाई गई थी। चार जो आपकी सीटें बची, ये चार सीटें ब्रिटिश आयुक्तों के प्रांतों से चुनकर आनी थी। जो ब्रिटिश के कमिश्नर होते थे, कमिश्नरी क्षेत्रों से चार सीटें चुनके आनी थी। तो तीनों का योग आप कराओगे तो बन जाएगा 389। अब 389 में 292 सीटें किसको, ब्रिटिश भारत को दी गई, जिनमें कहां पर सीटें निर्धारित की गई थी, 11 अलग अलग प्रांतों से इनका चुनाव होना था। सवाल पूछता है यहीं से। दूसरी बात, यह सवाल बहुत बार पूछा है कि देसी रियासतों को कितनी सीटें, 93 सीटें, लेकिन ये इन सीटों का जो चुनाव होना था, ठीक, इन पर सीधा चुनके लोग नहीं आए, इनका चुनाव म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर हुआ, ठीक है, कि भैया चार जो है देसी रियासतों के राजा आपस में मिले, बोले अच्छा हम चारों लोग कोई एक हम में से चला जाए तो वो मान लिया जाएगा। देसी रियासतें जब भारत में स्वतंत्रता के दौरान अगर बात की जाए तो लगभग 600 देसी रियासतें थी। भारत का मतलब क्या, पाकिस्तान अलग ना मानना, सब मिला के भारत, लगभग 600 देसी रियासतें थी। जब डिवाइड हुआ तो कुछ पाकिस्तान को रियासतें गई, कुछ रियासतें अपनी यहां पर रह गई भारत में, ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो 200 जो ये 93 सीटें रही भैया, इनका चयन किस पर, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर होता था। जैसे कि अच्छा भैया मेरी तरफ से वो चले गए, वो जो कहेंगे वही हमको भी माननी है, दूत मान लीजिए भेज दिया, ऐसा समझ लो। अगली चीज अगर बात करें, जो चार सीटें रही, ठीक है, ब्रिटिश भारत में कुल मिला के 296 अगर देखा जाए तो आई, क्यों, क्योंकि 292 सीटें किसकी थी, 292 सीटें तो ब्रिटिश भारत से थी, लेकिन चार सीटें भी ये ब्रिटिश भारत की ही थी, लेकिन यहां पर शासन जो था ये ब्रिटिश कमिश्नरी का था, ठीक है, कमिश्नरी क्षेत्र थे। तो कुल मिला के 296 पर आपका चुनाव होता है, और 93 सीटें जो थी उन 93 सीटों में क्या हुआ, उन पर जो है परस्पर एक दूसरे के साथ सहयोग से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाया, यानी पारस्परिक समन्वय के हिसाब से क्या किया, सीटों का चयन हुआ, समझे। वह चार आयुक्त प्रांत कौन कौन से थे, पहला प्रांत आपका दिल्ली का था, दिल्ली पहले से ही केंद्र शासित रहा है। दूसरा अजमेर, यानी अजमेर का कौन सा हिस्सा, मारवाड़, आज क्या बोलते मारवाड़, पहले मारवाड़। तीसरा जो था यह कर्नाटक जो है, इसको पहले कुर्ग के तौर पर जानते थे, तो तीसरा जो प्रांत था वह कुर्ग था कर्नाटक का, और चौथा जो प्रांत था यह ब्रिटिश बलूचिस्तान था। आज क्या है, यह पूरी तरीके से बलूचिस्तान थी, बलूचिस्तान है, पहले इसको ब्रिटिश बलूचिस्तान बोलते थे, समझ गए। चलो भैया,
तो ये तो सीटें हमने देख ली कि 389 सीटें जो रही पूरा, उनका कैसे कैसे विभाजन रहा, ठीक है, कितनी सीटें किसको दी गई। अब हम बात करते हैं, अगर हम अब धर्म के आधार पर बात करें कि भैया धर्म के आधार पर कितनी सीटें किसको दी गई, तो ध्यान दीजिए 296 ही तो धर्म के आधार पर देखेंगे, क्योंकि 93 सीटें जो थी आपकी वह सीटें तो देसी रियासतों के जो राजा थे उनके लिए थी। 93 सीटें जो थी ये भारत में जितनी देसी रियासतें थी इन देसी रियासतों के लिए 93 सीटें आपकी चुनी गई थी, समझ गए। तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा। अब 296 सीटों में अगर देखें कि धर्म के आधार पर किस धर्म को कितनी सीटें दी गई, देखो 296 सीटों में सामान्य को उस समय देखा जाए जनरल जो सीटें होती हैं या 213 थी, मुस्लिमों को अगर देखा जाए तो 79 सीटें दी गई और सिखों को देखा जाए तो 4 सीटें। यह प्रश्न कैसा पूछा है जानते हो, प्रश्न पूछा था कि संविधान सभा में किन किन धर्मों के लोगों को सीटें जो है आवंटित की गई, तो उसमें 3, एक सामान्य, मुस्लिम और सिख, समझ गए। 296 ये जो सीटें रही कुल जिन पर चुनाव होना था, इसमें जान लीजिए क्या, इसमें जो 208 कांग्रेस को, 73 मुस्लिम लीग को और 15 छोटे बाद जो है समूहों व प्रांतों को प्राप्त हुई, जो विजयी होने के बाद सारी चीजें आई। 296 में से 208 पर कांग्रेस जीती, 73 पर मुस्लिम लीग जीती और 15 जो छोटे समूह व प्रांत थे वो सारे एक एक सीटें उनको दी गई। अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगली परिचर्चा, ये जो चुनाव हुआ भैया, ठीक है, तब चुनाव से सारे लोग आए थे, चुनाव कैसे उस समय किया गया था, तो जैसे आज राष्ट्रपति के लिए चुनाव होता है वैसे ही चुनाव तब भी किया गया था, यानी चुनाव जो हुआ था यह पद्धति आपकी थी एकल संक्रमणीय पद्धति, ठीक है, सिंगल वोट रेफरेंडम मेथड बोलते हैं, वही मेथड आपका यहां पर प्रयोग किया गया था, एकल संक्रमणीय वोट पद्धति इस्तेमाल हुआ था जो आज भी आपका इस्तेमाल होता है। दूसरी बात, निर्वाचन की पद्धति क्या रही, ठीक है, मैनर ऑफ इलेक्शन क्या रहा उस दौरान, तो मैनर ऑफ इलेक्शन जब बात करेंगे तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति रहा, यानी इनडायरेक्ट मेथड तब भी इस्तेमाल हुआ था, यानी जो प्रांतीय विधानसभाएं थी, मैंने बात किया 11 प्रांत वो थे, 4 ब्रिटिश कमिश्नरी के थे, तो जो 11 प्रांत थे प्रांतीय विधानसभा यहां बनी थी, इनके द्वारा चुनाव हुआ हर एक सदस्यों का, ठीक है। अगली बात, अब जानते ही राजा तो राजा भैया, राजाओं ने क्या किया, इनको सीटें तो दी गई, अब ये नवाब तो नवाब, कहते नहीं बड़ा नवाब बने घूम रहे हो, तो ये नवाब कहे कि हम भारत में नहीं मिलेंगे, हम इतनी सी रियासत है तब भी हम नवाब हैं। अब ये सीटें देसी रियासतों को जो 93 सीटें दी गई यह भर ही नहीं पाई, इन्होंने भाग ही नहीं लिया, कहा हटाओ हमें कोई मतलब ही नहीं है, और 8 जो स्थान है इन पर निर्दलीय प्रत्याशी पहली बार ही चुनाव जीते थे, तो निर्दलियों का भी इतिहास बहुत पुराना है, इनको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अन्य अगर पार्टियों को देखें जैसे छोटी पार्टियां जिनके हम बात किए उसमें यूनियनिस्ट भी थी और यूनिस्ट मुस्लिम पार्टी भी थी, यूनिस्ट शेड्यूल कास्ट भी थी, कृषक प्रजा पार्टी थी, अनुसूचित जाति संघ भी बना था, साम्यवादी सिख बने थे, ये गैर कांग्रेसी थे, ठीक है, ये सारी पार्टियां थी। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट एक पूछा गया है उसको थोड़ा ध्यान दीजिए, एक बार सवाल आया था कि एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व किसने किया था तब, तो एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व जो है फ्रैंक एंथनी ने किया था, इस चीज को ध्यान रखिएगा, फ्रैंक एंथनी ने। पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो उस समय पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व किया था पीएच मोदी ने, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, अगला पॉइंट यह है आपका कि जो राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग किया गया वह कैसे हुआ, निर्वाचन मंडल के रूप में इन सभी का प्रयोग किया गया था जो राज्यों की आपकी विधानसभाएं थी। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को जो चुन के आए इनको आमंत्रित किया कि आप सभी लोग आइए और प्रथम बैठक में भाग लीजिए। अब हम संविधान सभा की प्रथम बैठक की ओर चल रहे हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कैसे हुई, कौन कौन मौजूद रहा, उससे पहले एक पॉइंट पर ध्यान दीजिए भैया, ये बहुत बार पूछा है, संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी, बहुत सारे बच्चे पूछते भी रहते हैं, तो एक चीज दिमाग में बना लो भैया कि संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी, उनके नाम मैंने लिख दिए हैं, ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित ये वही हैं, जानते होंगे,
पंडित जवाहरलाल नेहरू को जानते हैं तो विजय लक्ष्मी पंडित को आप लोग जानते होंगे, राजकुमारी अमृता कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षियानी बेलाउदम, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करीनी और अम्मू स्वामीनाथन, ये 15 महिलाएं संविधान सभा में आपके पहुंची थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम संविधान सभा की कार्यवाही की ओर। कौन सी कार्यवाही कब हुई? देखो, संविधान सभा की जब हम प्रथम बैठक की बात करें कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कहां हुई, यह भी सवाल पूछता है। बात थी दिसंबर 1946 की। ठीक है, और संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है नई दिल्ली में, नई दिल्ली में कहां, जो काउंसिल चैंबर है इसके पुस्तकालय में हुई थी, नई दिल्ली के काउंसिल चैंबर के पुस्तकालय में। और वो बात कब की थी? 9 दिसंबर की। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। क्या क्या हुआ था इस दिन? इस दिन जब पहली बैठक रही तो यह हुआ, भैया संविधान सभा को कोई अध्यक्ष वगैरह बनाया जाए, तो हम लोग अपना अतीत झाके, मतलब संविधान के अतीत को झाके, तो यह हुआ फ्रांस में जब पहली बैठक हुई थी तो उन्होंने जो सभा का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति था उसको बनाया था। तो अपने यहां ढूंढा गया तो निकल के आए, कौन निकल के आए? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन्हीं को कहा कि आज से भैया आप अस्थाई अध्यक्ष हैं संविधान सभा के। जब तक कोई जो है सभा का अध्यक्ष नहीं चुना जाएगा तो वह सभा क्या करेगी? तो अध्यक्ष वगैरह का चुनाव हुआ, सारे लोग जो है इलेक्शन जो है अपना अपना हस्ताक्षर किए, और हस्ताक्षर के बाद सारे लोग घर चल दिए कि आज की बैठक जो है समाप्त हो गई। तो पहले दिन बहुत नाम मात्र की चीजें रही। जब बात आती है दूसरे दिन की, तो दूसरे दिन क्या चीजें हुई थी? दो उपाध्यक्ष आपके निर्वाचित किए गए दूसरी बैठक में। कौन कौन? एक तो डॉक्टर एचसी मुखर्जी और दूसरे आपके बेटी कृष्णामचारी, ये दोनों दूसरी बैठक में उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। और एक आपके क्या बने थे? संविधान के सलाहकार भी नियुक्त हुए थे, जिनका नाम है आपका वीएन राव। इनको आप जानते होंगे, वीएन राव जो है यह संविधान के आपके क्या एक तरीके से सलाहकार नियुक्त किए गए, और पहली बार संविधान इन्होंने बनाकर पेश किया, उस संविधान पर कार्य करने के लिए प्रारूप समिति का गठन हुआ था, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तीसरी बैठक की ओर अगर बढ़े तो तीसरी बैठक में समझ लीजिए आप लोग क्या बहुत जरूरी चीजें हैं। ठीक है, हमने अध्यक्ष भी चुन लिया दूसरी बैठक में, उपाध्यक्ष भी चुन लिया दो, एक संवैधानिक सलाहकार भी चुन लिया। अब तीसरी बैठक में क्या हुआ? तीसरी बैठक में पहली दो बैठकों में तो मुस्लिम लीग आपकी जानते ही हैं शामिल ही नहीं हुई। फिर उसने क्या हुआ, मुस्लिम लीग की बैठक प्रथम बैठक में सम्मिलित होने के उपरांत क्या चीजें की गई? जब सम्मिलित हो गई तो उसके उपरांत ब्रिटिश पीएम, जिनका नाम मैंने बताया था क्लीमेट एडली, इन्होंने 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा की कि 30 जून 1948 से पूर्व जो सत्ता है या सत्ता भारतीयों को सौंप दी जाएगी। कब? 30 जून 1948 से पूर्व इन्होंने कह दिया कि भारत की सत्ता भारतीयों को सौंप दी जाएगी। समझ गए? अब क्या हुआ, 3 जून 1947 की बात है, उस दिन माउंटबेटन योजना आई थी जिसको मैंने पढ़ाया भी आपको था, और 14 जून 1947 को कांग्रेस की एक बैठक होती है। किस दिन? 14 जून 1947 को, स्थान था दिल्ली का। उस दिन जब कांग्रेस की बैठक हुई तो बैठक में कुछ फैसले लिए गए। वह फैसला क्या था भैया? वह फैसला यह था कि सरदार गोविंद वल्लभ पंत ने भारत विभाजन का प्रस्ताव कांग्रेस के उस मीटिंग में पेश किया। तो जब यह विभाजन प्रस्ताव पेश हुआ, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसका समर्थन किया था, इस पर प्रश्न पूछा है इसलिए मैंने शामिल कर दिया। ठीक है, किसने पेश किया था यह पूछा है कि भारत विभाजन का प्रस्ताव जो है कांग्रेस की जो है उसमें मीटिंग में किसने पेश किया, तो उसमें सरदार गोविंद वल्लभ पंत ने पेश किया था और अबुल कलाम आजाद ने उसका उस प्रस्ताव का समर्थन किया था। 4 जुलाई 1947 को किया हुआ यह बिल ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत हुआ तथा 18 जुलाई को वो यह स्वीकृत हो गया। 18 जुलाई 1947 को। उसके बाद 14 अगस्त की बात है 1947 की, उस दिन की मध्य रात को भारत का विभाजन हो जाता है।
अब भारत का विभाजन हुआ तो संविधान सभा जो हमने बनाई थी कि हम अपने देश का निर्माण करेंगे, तो अब पाकिस्तान भी नया बन गया, पाकिस्तान की अलग संविधान सभा बनेगी, भारत की अलग होनी थी, ठीक है। अब इस पर मंथन शुरू हुआ, जो हमारी सीटें थी हमने प्रांतों के आधार पर किया था, वो सीटें बटेंगी, सीटें तो बटेंगी क्योंकि हमने प्रांतों के हिसाब से तो सारी चीजें की थी, ठीक है। अब क्या हुआ भैया, इसको समझ लो, विभाजन के बाद क्या कैसे हालात रहे इनको बहुत अच्छे से आपको समझना है। हुआ क्या, जब विभाजन हो गया 14 अगस्त की मध्य रात्रि को, ठीक है, तो पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना क्या मनाता, स्वतंत्रता दिवस, हम 15 को मनाते हैं। अब 48 देशी रियासतें पाकिस्तान में गई और लगभग 552 देशी रियासतें भारत में बची रह गई। विभाजन से पूर्व मैंने बताया आपको सीटें 389 थी, अब विभाजन के बाद सीटों की संख्या 299 रह गई। 389 पहले सीटें थी, अब सीटें कितनी बची, 299 सीटें बची, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और 299 सीटें जो है पहले ब्रिटिश प्रांत में कितनी सीटें थी, 296 सीटें थी, ब्रिटिश प्रांतों में 296 मैंने बताया था कि इतनी सीटों पर इलेक्शन होना था, 292 11 प्रांतों से और 4 सीटें आपकी ब्रिटिश आयुक्तों से, तो जो 296 सीटें थी पहले वह सीटें अब घटकर किस पर पहुंच गई, वह सीटें घटकर 229 पर आ गिरी, ठीक है। तो सीट ब्रिटिश जो विभाजन के बाद ब्रिटिश भारत में सीटों की संख्या कितनी, 229 रह गई, पहले 296 थी जिनके बारे में मैंने बताया था, ठीक है। अगली चीज, देसी रियासतों की भी तो सीटें घटेंगी क्योंकि भैया लगभग 48 देसी रियासतें पाकिस्तान हो गई थी और बाकी लगभग 552 के करीब भारत में बची थी। अब देसी रियासतें पहले 93 थी, अब मात्र 70 जो है सीटें जो रही वह 70 रह गई भारत में। अगली बात, पाकिस्तान को कुछ प्रांत सौंपे गए थे, ठीक है, जैसे रियासतें तो गई ही गई, साथ ही साथ कुछ प्रांत दिए गए। पहला प्रांत है आपका पूर्वी बंगाल, जानते हैं नहीं, जिनको आज आप बांग्लादेश के तौर पर जानते हैं, या पहले पाकिस्तान को दिया गया था। अब समझ जाइए, अगर पाकिस्तान को बांग्लादेश मिला होता तो आज तो एक तरफ से तो वो पूरी कोशिश करता ही करता है जम्मू और यहां सब घुसपैठ, अगर बांग्लादेश भी मिला होता तो भारत को, अब तक दो तरफ से जब आतंकवाद प्रारंभ होता तो भारत अपनी रक्षा इतनी नहीं कर सकता था। दूसरा प्रांत किसको दिया गया, सिंध को दिया गया, दूसरा प्रांत सिंध वाला भी पाकिस्तान को दिया गया, तो अपने इधर आधा पंजाब है, आधा पंजाब उधर भी है पाकिस्तान में भी। तीसरे चौथे प्रांत की बात करें तो तीसरा प्रांत जो पाकिस्तान को दिया गया वह है आपका उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश जो पड़ता है, यह पाकिस्तान को दिया गया। और चौथा प्रांत दिया गया था असम का सिलहर जिला, ठीक है, अब सिलचर IIT आप जानते होंगे, बाद में सारी चीजें बहुत अरेंजमेंट हुआ है उसके बाद इधर उधर सारी चीजें आई है, कुछ हमने पाकिस्तान को दिया, कुछ पाकिस्तान से हमले लिया, सीमाओं का जो है बहुत सारी परिवर्तन हुआ है, जब बेरुबारी बाद आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो वहां समझ पाओगे। अगला कौन सा है, अगली चीज याद रखिएगा, अब हम क्या बात करने जा रहे हैं, संविधान का जो निर्माण हुआ यह कितने दिनों में हुआ, बहुत सामान्य सी बात है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसको लग गए, लगभग 3 साल संविधान बनाने में लग गए। अब इसके लिए कुल 11 अधिवेशन हुए थे और 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन जिस दिन था 26 नवंबर 1949, उस दिन संविधान को क्या किया गया, अंगीकृत कर लिया गया। भैया जो अंतिम दिन था उस दिन संविधान को अंगीकृत किया गया और जब अंगीकृत किया गया तो उसी दिन से 16 अनुच्छेद आपके लागू हो गए संविधान के, संविधान के 16 अनुच्छेद इसी दिन से लागू हो जाते हैं। पूर्ण रूप से संविधान आपका किस दिन, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन 16 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को प्रारंभ हो गए, अंगीकृत होने के बाद लागू हो गए, और इसीलिए 26 तारीख को कुछ और होता है। अब आगे आप समझदार हैं। दो बातों को और याद रखना, जब संविधान सभा की बैठक होती तो उस समय चूंकि अपने यहां विधानसभा या लोकसभा या संसद नहीं थी, जब संविधान सभा की बैठक होती तो अध्यक्ष के तौर पर कार्य कौन करते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि दूसरी बैठक में इनको अध्यक्ष बनाया गया था। और जब यह संविधान सभा विधायिका के तौर पर संसद के तौर पर जब बैठक होती तो इसके अध्यक्ष जो होते थे वह जीबी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर होते थे। तो दोनों का काम संविधान सभा करती थी, विधायिका का भी काम करती थी और संविधान सभा यानी संविधान के निर्माण का भी कार्य करती थी। तो इसके बाद की जितनी पॉइंट्स हैं उन पर हम लोग परिचर्चा अगले अपने लेक्चर में करेंगे।
आज की सारी चीजें आपकी समाप्त होती है। इतना पढ़िए, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से दिमाग में भरिए, क्योंकि यह चीजें जितनी आज मैंने बताई हैं यह हमेशा परीक्षाओं में पूछी जाती है। ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक मस्त होकर पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।